हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सभी क्वेश्चंस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं और सभी प्रकार की वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल है। थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पीपीएससी टीआई 2 में इंग्लिश हिंदी दोनों में 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है और मैं डेली बेसिस पे रोज आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ क्वेश्चंस का। तो डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए एंड वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, वो तो आएगा ही और आपका तैयारी रहेगा। तो जब भी आएगा आप जस्ट उसको क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया की धरती पर पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ। तो दोस्तों, एशिया की धरती पर जैसे कि जो आधुनिक ओलंपिक है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 एथेंस के पेनाथेनिक स्टेडियम में हुआ था और एशिया की धरती पर प्रथम बार ओलंपिक का आयोजन 1964 टोक्यो जापान में हुआ था। उसके बाद 2008 बीजिंग चीन में हुआ, फिर 2020 टोक्यो जापान में हुआ। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में गलती करने वाले, फाउल करने वाले को क्या सजा दी जाती थी। तो दोस्तों, उसको हंटरों से पीटा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर पारितोषिक यानी रिवॉर्ड पुरस्कार जीता। तो वह था किंग नीरो। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिए गए। तो दोस्तों, 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक दिए गए और ठोस स्वर्ण पदक सबसे पहले 1912 में दिया गया। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियर डी कुबर्टिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो 1937 में हुआ था, ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। तो 14 देशों ने भाग लिया था, तो यहाँ पे नहीं दिया है 14, तो यहाँ पे 13 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार शपथ दिलाई गई। तो दोस्तों, शपथ जो है पहली बार दिलाया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। याद रखिएगा, जो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा है ओलंपिक, वह फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। कबूतर छोड़ा गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में और शपथ लिया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ये तीनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक आयोजन का स्थल सर्वोच्च ऊंचाई पर रहा है। आप सबको पता है 1968 मैक्सिको ओलंपिक जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर किया गया था, जिसमें थोड़ा सांसों का दिक्कत हुआ था दोस्तों, जिसमें आपका अत्यधिक ऊंचाई पर, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जो आपका ऑक्सीजन लेवल होता है, गुरुत्वाकर्षण लेवल होता है, वो कम होने लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है। यहाँ पे बाधा दौड़ का जो बाधा की ऊंचाई होता है उसको दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 100 मीटर बाधा दौड़ की जो बाधा की ऊंचाई होती है 0.84 होता है, तो गलत है, ठीक है, ये गलत है। और 110 मीटर बाधा दौड़ का जो बाधा की ऊंचाई होता है 1.067 मीटर होता है, तो ये भी गलत है। 400 मीटर बाधा दौड़ जो पुरुषों का होता है
वो 0.914 मीटर होता है बाल की ऊंचाई, जबकि महिलाओं का होता है 0.762 मीटर। तो यहाँ पे ग वाला आपका राइट है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त विऑक्सीकृत एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे हो जाता है, तो दोस्तों फेफड़ों में जाके तो शुद्ध होता है, या पेशियों में डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है काम करने के बाद, उसी प्रकार भी अशुद्ध रक्त आ जाता है हमारे हृदय के दाएं अरिंद में। नेक्स्ट है जांघ के सामने की पेशियों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जांघ के ऊपर जो सामने की पेशी है उसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स या हिंदी में चतुश्रस्क मसल्स कहते हैं। चतुश्रस्क यानी क्वाड्रिसेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चार पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, ये चारों मिलकर के क्वाड्रिसेप्स मसल्स का निर्माण करते हैं जांघ के सामने की पेशी, और यह हिप को मोड़ने और घुटने का विस्तार करने में काम आता है। और उसके जस्ट पीछे जो होता है सामने जांघ के पीछे की जो मसल्स होती है वह हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाती है, जो तीन पेशियों के ग्रुप से बना है, जैसे बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस। यह जो मसल्स होती है हैमस्ट्रिंग ग्रुप, यह घुटने को मोड़ने में काम आती है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन है, तो लार्जेस्ट मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्ले की एंड लॉन्गेस्ट मटर सबसे लंबी मसल्स होती है सार्टोरियस जांघ की, एंड सबसे छोटी मसल्स होती है स्टेपीडियस कान की, सबसे मजबूत मसल्स होती है मसेटर निचले जबड़े की। नेक्स्ट दोस्तों, पेशियां बदल देती हैं, तो दोस्तों जो पेशियां होती हैं वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। नेक्स्ट है मानव अस्थि के मुख्य तत्व हैं, तो दोस्तों कैल्शियम फास्फोरस जो होता है मानव अस्थि और दांतों के लिए मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट है शिशु का अस्थि कंकाल प्रायः पूरी तरह से बना होता है, जो बच्चों का कंकाल होता है वो कॉर्टिलेज यानी उपास्थि से बना होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं यह अस्थियों का रूप धारण करने लगता है कठोर होकर के। नेक्स्ट दोस्तों, तंतु यानी फाइबर में ऑक्सीजन के भंडारण का काम करने वाली संरचना है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही घाटा होगा दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआई 2 में कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन के भंडारण का काम कौन करता है, या तंतु फाइबर में मांसपेशी के फाइबर की बात कर रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन के भंडारण का काम करता है मायोग्लोबिन। कौन करता है? मायोग्लोबिन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है किस प्रकार की अस्थियां ताकत प्रदान करने का कार्य करती हैं, तो दोस्तों जो छोटी अस्थियां होती हैं वह ताकत प्रदान करने का काम करती हैं, शक्ति प्रदान करने का। नेक्स्ट है अस्थियों का घनत्व ज्यादा होता है, तो दोस्तों पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अस्थियों का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सौंधियों यानी ज्वाइंट्स के संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी है, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी टीआई 2 में, इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस भी करा चुकी हूं। तो यह कौन सी ज्वाइंट्स के संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो ज्वाइंट्स को यानी कि दो हड्डियों को जोड़ने पर कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट्स जोड़ता है, तो लिगामेंट्स जो होता है यह ज्वाइंट्स के संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जाइगोमैटिक बोन यानी गंडा अस्थि कहाँ स्थित होती है, यह होती है खोपड़ी में। कहाँ पे होती है? खोपड़ी में। नेक्स्ट है कोहनी में आकुंचन यानी फ्लेक्शन किसके द्वारा होता है, दोस्तों कोहनी को आप ऊपर की तरफ मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन यानी मोड़ रहे हैं, किसके द्वारा होता है, तो बाइसेप्स मसल्स के द्वारा, ठीक है, बाइसेप्स मसल्स के द्वारा। और एक्सटेंशन यानी फैलाया किसके द्वारा जाता है कोहनी को, तो ट्राइसेप्स मसल्स के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितंब संध यानी हिप ज्वाइंट का सबसे मजबूत अस्थिबंध यानी लिगामेंट क्या है दोस्तों? यह क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था दोस्तों। आप कहेंगे कि पढ़ाया नहीं गया था, एक एक क्वेश्चन आपको रटाया गया है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन बुक को भी। जो हिप की संधि का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन है, अस्थिबंध कौन है, तो इलियोफेमरल है। क्या है? इलियोफेमरल है, याद रखिएगा। इलियोफेमरल जो है हिप संधि का सबसे मजबूत लिगामेंट है, याद रखिएगा। इस इलियोफेमरल को भूलिएगा मत, एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार का उत्तोलक बाहु यानी लीवर आर्म के उत्थापन यानी लिफ्ट यानी मोड़ने में सर्वाधिक प्रभावकारी होता है? तो दोस्तों, जो हमारा आर्म है उसको मोड़ने में, फ्लेक्शन करने में कौन से प्रकार का उत्तोलक कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसमें आपका कार्य कर रहा है तृतीय प्रकार का उत्तोलक दोस्तों, जिसमें फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है। तो यहाँ पे जो बाम को मोड़ने में काम मोड़ने का जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में होता है, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी कि अग्रबाहु को फैलाना जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है, और बाहु को मोड़ना जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। याद रखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि हमारे बॉडी में प्रथम प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी कि बाहु को ऊपर मोड़ना, एंड एंकल फ्लेक्शन यानी कि जो टखने का ज्वाइंट है उसको मोड़ना, एंड सिर को आगे पीछे झुकाना, एंड वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सिटअप, ये सभी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का जिसमें भार बीच में होता है, जैसे कि दीवार निचोड़ने का मशीन, कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा, बॉडी में एग्जाम्पल है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का प्लांटर फ्लेक्शन यानी पंजों के ऊपर खड़ा कि पंजों के ऊपर की उठाना, डिप्स या पुशअप लगाने की स्थिति, जबड़े का खुलना बंद होना, बास्केट व वॉलीबॉल में पंजे से जंप करना, ये सभी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। एंड तृतीय प्रकार के उत्तोलक जिसमें फोर्स बीच में होता है, जिसमें हमारे बॉडी में जो है जैसे कि फोर्स बीच में होता है, जैसे नाव चलाना, बेलचे से मिट्टी उठाना, तो हमारे बॉडी में इसका एग्जाम्पल होता है आर्म फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मोड़ना, सिटअप, हाथ को ऊपर को उठाना, ये सभी तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, बांह का ऊपर उठाने में और नीचे कौन सी मांसपेशी मुख्य सम्मिलित है? तो बांह को ऊपर और नीचे उठाने में जो हमारा डेल्टाइड मसल्स होता है वो काम करता है, तो वहां पे ऊपर उठाने और नीचे डेल्टाइड मसल्स के सेम उसको रोटेटरी मसल्स भी कहते हैं दोस्तों, तो रोटेटरी कॉफ मसल्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। रोटेटरी कॉफ मसल्स ये पूछा हुआ था केवीएस में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चेतना, कॉन्सेंसियस कॉन्सियसनेस कि किस स्तर को आसानी से बोधगम्य यानी अंडरस्टूड बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, जो हमारा चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, अवचेतन तीन हमारे मन को बताया गया है, तो मस्तिष्क के भाग को बताया गया है। यहाँ पे जो है कॉन्शियसनेस चेतना स्तर का आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है, तो अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियसनेस के द्वारा। नेक्स्ट है, वह संघर्ष जिसने बालक माता के स्नेह प्यार के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों एडिपस कैप्लेक्स। नेक्स्ट है, नेतृत्व की कौन सी शैली टीम की पूरी जवाबदेही लेती है? तो दोस्तों, निर्देशात्मक शैली होती है जो नेतृत्व की और टीम की पूरी जवाबदेही लेती है। नेक्स्ट है, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन क्या है? तो दोस्तों, दर्शकों जो प्रोत्साहन करते हैं आपको, एक प्रकार का सामाजिक प्रेरणा यानी सोशल मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है,
अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन कॉग्निटिव इवोल्यूशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डेसी ने किया। नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के नियत से किए गए व्यवहार को क्या कहते हैं? तो आक्रामक व्यवहार आक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रायर के अनुसार व्यक्तित्व का विशिष्ट नैतिक भुजा यानी स्पेसिफिक मोरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी क्या है? तो ये है आपका सुपर ईगो। यहाँ पे नैतिक मन की बात कहे इन्होंने, इड ईगो सुपर ईगो की बात कहे है। तो नैतिक शब्द की जहाँ पे बात आ जाए वहां पे सुपर ईगो पर अहम होगा, जो गलती करने से रोकता है। नेक्स्ट है, जो नेता निश्चयीकरण में पूरी छूट देता है और समूह की क्रियाकलाप में भागीदार नहीं बनता है, वह कौन सा प्रकार कहलाएगा? तो दोस्तों वह अहस्तक्षेपी कहलाएगा। नेक्स्ट है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? दोस्तों कोई भी शिक्षा हमेशा उपयोगी और मूल्यवान ही होता है, तो उपयोगी व मूल्यवान। नेक्स्ट है, बड़ा भाई छोटे के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर विद्यार्थी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है? तो वो एक आइडियल होता है, आदर्श होता है। यदि आप बड़ा भाई कुछ ऐसा प्रवृत्ति कर लिया तो वो छोटा भाई अपने आप उसको अपना लेगा, इसलिए बड़े को सोच समझ के कोई भी कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण द्वारा व्यक्ति वास्तव में किसे प्रत्यक्षित करना सीखता है? तो दोस्तों स्वयं को प्रशिक्षित वो करता है, वो स्वयं सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे समर्थकों ने समाजीकरण प्रक्रिया का निर्णायक कारक किसे माना है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को माना है। नेक्स्ट है, बच्चों के लालन पालन पर अधिकांश अध्ययन किनके द्वारा किए गए हैं? तो बच्चों के लालन पालन पर अधिकांश अध्ययन जो है अधिगम सिद्धांतवादियों लर्निंग प्रिंसिपल्स बाय लिटिगेंट्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, समाजीकरण के बारे में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण क्या है? तो व्यवहारवादी हमेशा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट को मुख्य माने हैं, कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो मुख्य रूप से इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। वाटसन ने कहा भी है कि मुझे कोई भी जन्म के तुरंत बाद का बच्चा दे दो, मैं उसे शिक्षक, जानवर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बना करके दिखा दूंगा। इन्वायरमेंट में, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहकर जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चा वैसा ही बन जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में समाजीकरण प्रतिरूप में तेजी से परिवर्तन मुख्यतः किस कारण से हो रही है? तो दोस्तों यह हो रहा है जन माध्यम के विस्तार के कारण। ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मास मीडिया, जो मीडिया है इसके कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजीकरण कहाँ होता है? दोस्तों सबसे पहले समाजीकरण की प्राथमिक आई है परिवार, फिर विद्यालय। तो प्राथमिक कई परिवार है, लेकिन समाजीकरण परिवार में भी होता है, विद्यालय में भी, मित्र समूह में भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डंबल शब्द का क्या अर्थ है? डंबल का अभ्यास आप करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट, जो आइसोटोनिक कंट्रक्शन में आता है, एक्सरसाइज में आता है। तो दो सिरा होते हैं जिसमें दोनों सिरे पर क्या होता है, भार होता है। तो डंबल शब्द का अर्थ है दो सिरा भार। नेक्स्ट है, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से पश्चिमी देशों से आरंभ हुआ था डंबल का प्रयोग। नेक्स्ट दोस्तों, टिप्पणी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो टिप्पणी का प्रयोग मथुरा और ब्रज में किया जाता है। नेक्स्ट, टिप्पणी किसकी बनी होती है? दोस्तों तो टिप्पणी जो है वह बांस की बनी होती है।
नेक्स्ट है भारत की एकमात्र महिला जिमनास्ट जिसने राष्ट्रमंडल खेल में कोई पदक जीता है यानी कांस्य पदक, तो जिमनास्ट है आपकी दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर। और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में जिमनास्टिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट है परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी पर वैधता यानी वैलिडिटी किस परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है? तो दोस्तों यह करेगी सजातीय परीक्षण में होमोजेनेसियस में। नेक्स्ट है उच्च विश्वसनीयता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले विश्वसनीयता रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए कई सारे समूह होते हैं, सभी समूहों पर बार बार प्रयोग किया जाता है और सबका परिणाम हर बार एक जैसा आना चाहिए, तो कहा जाता है कि रिलेबल है यानी विश्वसनीय है। तो क्या नहीं होना चाहिए आवश्यक? तो यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस होता है, समान कठिनाई स्तर के एकांश होना चाहिए, एकांशों के बीच भी अंतर संबंध निकाला जाता है, फिर समूहों में विभिन्नता होना चाहिए, अलग अलग समूहों पर उसका प्रयोग किया जाएगा और सबका जो है परिणाम एक ही होगा, तो वहाँ पर रिलेबल होगा। जबकि लघु परीक्षण मिनट टेस्ट यहाँ पे आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार पराजित होने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? तो वो होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। दोस्तों टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए टूर्नामेंट वाले सभी वीडियोज को देखिए, चारों टूर्नामेंट के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परीक्षण प्रशिक्षण के आयतन को अधिक तेजी से एवं अधिकतम बढ़ाया जाता है, यह कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों प्रशिक्षण के आयतन को अधिक तेजी से अधिकतम बढ़ाया जाता है यहाँ पर होता है, जैसे कि आपको प्रीडोइजेशन में मैंने बताया हुआ है कि तीन फेज होते हैं, प्रिपेटिव पीरियड, कॉम्पटिशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। जो तैयारी काल होता है उसके तीन फेज होते हैं, ये आपका 6 से 7 महीने का होता है, और फिर आपका कंपटीशन पीरियड होता है जो कम से कम 3-4 महीने का होता है, और फिर आपका होता है ट्रांजिशनल पीरियड जो रिकवरी फेज होता है, इसको एक्टिव रिकवरी फेज भी कहते हैं, जो 1 माह का होता है दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पे जो एथलीट का प्रिपरेशन पीरियड होता है वहाँ पे आयतन को तेजी से एवं अधिकतम बढ़ाया जाता है, यह कहलाता है तैयारी का काल, प्रिपरेशन पीरियड। नेक्स्ट है जैसे जैसे तैयारी काल समाप्त होता है वैसे वैसे परीक्षण की में भी तीव्रता को तेजी से बढ़ाते हैं, यह अवधिकालीनता की कौन सी अवस्था होती है? तो यह आपका तैयारी काल होता है, प्रिपरेशन पीरियड। तो दोस्तों आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।